हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ओ लेवल गुरुजी। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में लिब्रे ऑफिस कैलसी में प्रिंट टाइटल और कुछ बॉर्डर्स एंड पेज सेटअप के कुछ ऑप्शंस बताए हुए थे, तो जिन्होंने अभी तक लास्ट क्लास की वीडियो नहीं देखी है, आप लोग चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हमारी लिब्रे ऑफिस कैलसी क्लास नंबर 30 है। ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में। और जो प्रीवियस क्लासेस है उसमें हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर के एग्जाम के लिए क्वेश्चन कम्प्लीट कर चुके हैं और कैलसी के भी क्वेश्चन हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं। प्लस एक वीडियो मैंने आपको पूरी लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड प्रोवाइड कराई है, जिसमें हमारे सारे क्वेश्चंस मिक्स थे। जो जिन्होंने प्रीवियस क्लास की वीडियो नहीं देखी हुई है, वो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देख सकते हैं, या फिर आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाके भी जरूर देख ले। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको कंप्लीट एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। आज हम लोग जानेंगे शॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में। ठीक है, क्या होती है शॉर्टिंग, वो आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आ जाते अपनी सीट की तरफ। ये सीट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखिए, शॉर्टिंग का मतलब होता है, दो तरह की शॉर्टिंग होती है। अगर हम लोग नंबर के लिए देखी जाए तो नंबर में दो सॉर्टिंग होती है, एक होती है असेंडिंग, दूसरी होती है डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में। तो जिसमें हम लोग देखेंगे, जैसे ये जो सैलरी है आप लोग देख रहे हैं कि कहीं 25,000 है, ठीक है, 25,000 क्या 28,000, फिर 30,000, तो मतलब क्या है, मिक्स है। हम चाह रहे हैं कि पहले सबसे छोटी आए, फिर उससे बड़ी आए, फिर उससे बड़ी आए, इस तरह से। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। दूसरा, अगर अल्फाबेट के फॉर्म में देखा जाए तो अल्फाबेट्स के लिए, नेम के लिए क्या चलेगी हमारी शॉर्टिंग, वो चलेगी कि पहले ए वाले आएंगे, फिर बी वाले आएंगे, फिर सी वाले होंगे। ठीक है, अगर नहीं हुए सी तो डी, तो क्या ए टू जेड में प्रायोरिटी दी जाएगी। ओके, अब यहां पे अगर देखा जाए तो देखिए क्या यहां शॉर्ट है, एक ही, ठीक है, फिर क्या आ गया, रोहित, फिर सुनैना, फिर नैना, तो ये क्या है, यहाँ पे मिक्स है, तो अभी कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब हम लोग आज देखेंगे कैसे हम लोग उस पर शॉर्टिंग लगाएंगे। तो करना क्या है, हमें जस्ट हमें इस पर क्लिक कर देना है किसी भी नेम पर। ठीक है, ये एम्प्लॉई नेम है, इसके मैंने नेम पे क्लिक किया, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ए टू जेड, ठीक है, शॉर्ट असेंडिंग, जस्ट इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे आप लोग देखेंगे पूरे हमारी शॉर्टिंग हो गई ए टू जेड के फॉर्म में। तो देखिए, अभी अमन, अंकित, अब देखिए बी से कोई नेम नहीं है, डी सी से कोई नेम नहीं है, तो दिव्या, ठीक है, फिर ई एफ जी से कोई नेम नहीं है, तो नैना। तो आप लोग देखेंगे सबसे लास्ट में क्या हो गया, विराट यहाँ पे हो गया, एस के बाद वी ही आएगा। तो ये जो शॉर्टिंग रहेगी हमारी, ये किस तरह से रहेगी, ए टू जेड हमारी शॉर्टिंग रहेगी। नेक्स्ट मैं चाह रहा हूँ कि ये हमारी क्या हो जाए, जेड टू ए हो जाए, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले विराट आएगा, मतलब जस्ट इसका क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो ये हमारा जेड टू ए में शॉर्ट होगा, तो क्लिक करना है और जेड टू ए पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग देखेंगे यहाँ पर जेड टू ए में शॉर्टिंग हो गई है। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये वाली जो क्लास थी मैंने आपको कराई थी, जिसमें मैंने आपको एम्प्लॉय की सैलरी शीट बताई थी। जिन्होंने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है वो लोग देख लीजिए। प्लस आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करिए और शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट हमारी कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं। और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। ठीक है, ये जो हम लोगों ने नेम पे देख लिया, अगर मुझे सैलरी पे करना है तो जस्ट क्लिक करना है, ए टू जेड पर ही क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे सैलरी भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए सबसे कम जो थी वो 12,000 थी, 15,000 सबसे लास्ट में जो रहेगी वो सबसे हाईएस्ट सैलरी रहेगी। ओके, ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, एचआरए टीएडीए सभी को हम लोग शॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है। मान के चलिए मुझे एम्प्लॉय आईडी से सॉर्टिंग करना है, तो जैसे हमें क्लिक करना है, मैंने कहा एम्प्लॉय आईडी तो ए टू जेड, तो सारी एम्प्लॉय आईडी लाइन से लग जाएंगी। जेड टू ए में करना होगा तो हम लोग जेड टू ए में भी कर पाएंगे, जस्ट बस हमें क्लिक करना है और जेड टू ए में भी कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोग क्लियर हो गया हो कैसे हम लोग सॉर्टिंग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सॉर्टिंग वगैरह अप्लाई करते हैं, कहीं किसी भी चीज पर हम लोग सॉर्टिंग लगा सकते हैं, चाहे वो नेट सैलरी हो। नेट सैलरी पर चेक कर लीजिए ए टू जेड, पहले सबसे कम नेट सैलरी आएगी, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, और लास्ट में देखेंगे सबसे ज्यादा 46,200। ओके, तो ये हमारी क्या होती है, नेट सैलरी भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया सॉर्ट करके। ओके, दूसरा जो ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा फिल्टर। फिल्टर क्या होता है, जैसे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा से कुछ अमाउंट ऑफ डेटा हमें निकालना है। ठीक है, जैसे कि अब हम आपको बता देते हैं कैसे करते हैं हम लोग फिल्टर का यूज। सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर आपके सामने शीट बनी हुई है। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसको सॉर्ट किया, जैसे मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर से सॉर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले फिल्टर लगाऊंगा। ठीक है, मैंने सबसे पहले अपनी पहली वाली जो रो है, जो हमारी मेन हेडिंग है, उनको सिलेक्ट किया है। तो उन मेन हेडिंग को सबसे पहले क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप चाहो तो रो को भी सिलेक्ट कर सकते हो और आप चाहो तो इस तरह से भी सिलेक्शन बना सकते हो। ठीक है, सिलेक्शन बनाने के बाद अब करना क्या है, हमें सबसे पहले हम लोग आएंगे यहाँ पर, आपको ऑप्शन मिल जाएगा फिनल, ये ऑटो फिल्टर का, जस्ट इस पे क्लिक करना। शॉर्टकट की होती है इसकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे बटन इस पे आ जाएंगे। ठीक है, अब ये बटन आ गया यहाँ पर, तो अब हम लोग यहाँ पे कोई भी डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मैं चाहता हूँ कि मुझे, मान के चलिए मुझे ये बताना है, या फिर मुझे ये देखना है कि जो हमारी यहाँ पर बेसिक सैलरी है, किसकी बेसिक सैलरी 30,000 से ज्यादा है। ठीक है, तो हम इस पे बटन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे
यहाँ पर सारी बेसिक सैलरी आ जाएगी। अब 30,000 से जिसकी ज्यादा होगी सिर्फ हमें वही सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से ऑल्सो सिलेक्शन हटाया और 30,000 देखिए एक्चुअली ये शॉर्ट है ऑटोमेटिक, तो हम लास्ट में आ जाएंगे 32, 34, 35 और ओके करेंगे। तो आप लोग देखेंगे जिनकी भी सैलरी 32,000, 36,000 से ज्यादा उनका पूरा रिकॉर्ड आ गया। तो इससे क्या बोलते हैं, फिल्टर हो गया डेटा। ठीक है, हम लोग चाहे यहां से भी फिल्टर कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि अब मुझे इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, तो आप देखिए यहीं पर ऑप्शन मिलता है शॉर्ट ए टू जेड, तो पहले ए टू जेड में भी हमारा सॉर्ट होके आ जाएगा। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, अब जहां से हमने लगाया था वहीं से हम लोग इसको ऑल कर देंगे तो यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है, कंडीशंस आपको दी जाएंगी। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैं अगर नेट सैलरी की बात करता हूँ तो नेट सैलरी पे जैसे मैंने बोल दिया जिसको भी नेट सैलरी 40,000 से ज्यादा आ रही है वो शॉर्ट करके लाओ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद क्या कर सकते हैं, या तो आप पहले शॉर्ट कर लो तो ए टू जेड हमारा शॉर्ट भी हो जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करने के ऑल हटा देंगे। ऑल हटाने के बाद हमें 40,000 से ज्यादा बताना है तो नीचे से हम लोग इस पे चेक का सिंबल लगाएंगे और 40,000 से ज्यादा यहाँ पे सिर्फ 3 लोगों की आ रही है और ओके करेंगे। तो आप लोग देखेंगे जो भी लोग हैं जिनकी 40,000 से ज्यादा आ रही वो आपके सामने। अब देखिए कुछ चीजें क्या है, सेम है, इस वजह से वहां 3 लिख रहे थे, लेकिन कुछ लोगों की सेम है ना सैलरी नेट सैलरी, इस वजह से वो हम लोगों एक ही वहां पे काउंट हो रहा था। ठीक है, जैसे ये दोनों भी सेम है क्योंकि हम लोगों ने शीट में कुछ एंट्री कॉपी पेस्ट करके भी ली हुई थी। ओके, आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा शॉर्ट करना। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, ये भी शॉर्ट कर लिया। अब इसी में भी शॉर्टिंग जैसे मैंने आपको बता दिया लगाना, किसी ने मुझसे पूछा इन शॉर्टिंग में किसको 7,000 एचआरए मिल रहा, तो जस्ट हमें हटाना है 7,000 पे क्लिक करना ओके कर देंगे। तो देखिए सॉर्टिंग के अंदर हम लोगों ने फिल्टर के अंदर हम लोगों ने फिल्टर लगा लिया। ठीक है, तो ये भी हम लोग इसमें कर सकते हैं, जस्ट क्लिक करना है, ऑल पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे तो यहाँ से हट जाएगा। दूसरा हमें यहाँ हटाना है, यहाँ से भी हटा सकते हैं। ओके, ये हम लोगों ने क्लिक कर दिया। और दूसरा क्या हो सकता है, इसमें हम लोग और भी ऐड कर सकते हैं कॉलम। सपोज मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मैंने बोला इंसर्ट कॉलम बिफोर, लास्ट क्लास में मैंने आपको सारे ये वाले ऑप्शन बता दिए हैं, तो उस क्लास को भी आप लोग देख लीजिएगा। सपोज मैंने यहाँ पे एक कॉलम एंटर किया जिसका नाम है जेंडर। ओके, जेंडर के बाद मैंने एक कॉलम और यहाँ पे ऐड किया, राइट क्लिक किया, इंसर्ट कॉलम बिफोर, और यहाँ पे मैंने लोकेशन भी यहाँ पे बढ़ा ली। ठीक है, और थोड़ा सा और अच्छे से आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, जैसे सुमित क्या है, मेल। ओके, पूनम फीमेल, इसके बाद यहाँ पे थोड़े से डेटा एंट्री कर देते हैं, फीमेल मेल। ओके, फीमेल फीमेल फीमेल, यहाँ पर अंकित आएगा, मेल 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 मेल। ठीक है, और यहाँ पे फीमेल 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। डेटा देखिए किसी भी तरह का हो सकता है, वो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जैसा डेटा हो बस आपको हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता चल जाए तो आप लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे क्या है, फीमेल, ये हो गया यहाँ पे नैना फीमेल, अमित मेल, सालू फीमेल, ओके, और प्रिंसी भी फीमेल, रोहित मेल, क्योंकि हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया था इसलिए सेम नेम भी मिल जाएंगे यहाँ पे, मेल हो जाएगा मेल और यहाँ पे मेल। ओके, इसी तरह से मैंने यहाँ पे क्या किया, लोकेशन भी मेंशन कर दी। सपोज मैंने यहाँ पे लोकेशन मेंशन की मुंबई, ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी नोएडा, नेक्स्ट अगेन मैंने यहाँ पे कर दिया कानपुर। ठीक है, और इसको मैंने रिपीट कर दिया, मुंबई मुंबई कानपुर, ठीक है, और ऐसे ही नोएडा नोएडा, और ऐसे ही मुंबई नोएडा, ऐसी तरह से मिक्स में कर दिया। ठीक है, तो इसमें सॉर्टिंग भी चल जाएगा अच्छे से और फिल्टर भी चल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मुंबई। ओके, तो ये जो कॉलम हम लोगों ने यहाँ पे दो कॉलम ऐड किए, जेंडर और लोकेशन का। अब देखिए किसी ने हमसे ये पूछा है कि इस सैलरी सीट में कितने फीमेल्स हैं, तो जस्ट हम जेंडर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हटा के क्या मुझे फीमेल बताना है, क्लिक करेंगे ओके कर देंगे, तो जितने भी फीमेल्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। उन्होंने कहा इन फीमेल्स को लोकेशन को सेट करके दो, तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, लोकेशन को शॉर्ट कर दो असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए पहले कानपुर, फिर मुंबई मुंबई, और फिर नोएडा नोएडा वाले सेट हो गए। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करके देंगे। और जो प्रिंट कैसे निकालते हैं मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई दिया था, यहाँ उन्होंने ई नेम से बोलेंगे तो नेम से आप लोगों को सेट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे फीमेल्स का रिकॉर्ड हो गया, इसको हम लोग हटाएंगे, इसको हटाने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे ऑल कर देंगे तो दोनों का मिक्स आ जाएगा। अब किसी ने मुझसे ये पूछा है कि हमें तो सिर्फ उनका रिकॉर्ड ला के दो जो लोग मुंबई में रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑल हटा के मुंबई वाले लोकेशन बता देंगे, मुंबई में इतने लोग हमारे जॉब कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से उनने कहा साथ में नोएडा के भी ऐड करके दे दो, तो नोएडा के भी ऐड होके आ जाएंगे। ओके, तो इस तरह से बिल्कुल क्लियर मैंने आप लोगों को बता दिया फिल्टर का बेस्ट यूज है। एचआरए और टीओ जैसी कंडीशन होगी उस तरह से हम लोग उसका यूज करेंगे, जस्ट इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने ऑल करेंगे और ओके करेंगे तो हमारे जितने भी मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया था डेटा ओपन हो जाए। जहां से भी फिल्टर लगाओ उसको हटा भी लिया करो, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पे, अगर मैं इसको सॉर्ट करूंगा असेंडिंग ऑर्डर में तो इस तरह से हमारा 20 ही रिकॉर्ड था। ओके, क्लियर। नेक्स्ट रहता है जैसे कि मान के चलिए
मैं ये चाहता हूँ कि ये जो आपका डेटा है, देखिए मैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। फिल्टर तो मैंने आपको बता दिया, और भी बहुत सारी सीट्स पे फिल्टर होता है, जैसे और किस तरह से हो सकता है, एक मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। जैसे मान के चलिए कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आईडी हो गया, यहाँ पर प्रोडक्ट नेम हो गया, प्रोडक्ट नेम के बाद क्या हो गया, उसकी क्वांटिटी हो गई, और उसके बाद उसका कोई प्राइस हो गया, ठीक है। तो जो क्वांटिटी और प्राइस हो गया, ये हो गया क्वांटिटी, मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे, क्वांटिटी और प्राइस, और हमारे पास कैसी कैसी सीट है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है हमारा फिल्टर, इसलिए याद रखिएगा। और इसके बाद मैंने यहाँ पे कहा टोटल, ओके। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं ले रहा हूँ, इसमें मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, बाकी आप लोग करिएगा। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी ले ली जैसे P001, ओके। नेक्स्ट मैंने प्रोडक्ट आईडी ली P003, P005, P007, और ठीक है, इसी तरह से मैंने कुछ भी यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी आपकी ले ली। प्रोडक्ट नेम में मैंने यहाँ पे ले लिया जैसे कीबोर्ड हो गया, ठीक है, माउस हो गया, माउस के बाद अगेन कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, इसी तरह से स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, ठीक है, ऐसी कुछ आप लोगों को इस तरह से रिकॉर्ड देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे जस्ट मैंने फिर कॉपी पेस्ट किया मॉनिटर हो गया यहाँ पे मैंने अगेन प्रिंटर ले लिया, यहाँ पे प्रिंटर हो गया, और ये हो गया आपका कीबोर्ड, और ये हो गया माउस, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, क्वांटिटी वगैरह गिवन होगी, तो क्वांटिटी मतलब कितने कितने कीबोर्ड जा रहा है, कितने कीबोर्ड हमारे पास है, तो मैं इसको थोड़ा सा रफली दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा जैसा आपको रिकॉर्ड मिले। तो मैं यहाँ पे आपको रफली बता देता हूँ कैसे हम लोग यूज करेंगे मेन चीज, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ प्राइस वगैरह, प्राइस थोड़ा सा गलत आ रही है, थोड़ा एक काम करते हैं इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मान के चलिए कि मैं यहाँ पे ऐसे कीबोर्ड का प्राइस बताता हूँ, मैंने कीबोर्ड का प्राइस यहाँ पे लिखा 230, माउस का प्राइस लिखा 180, इसके बाद अगेन 230, ओके। तो इस हिसाब से मैं माउस के भी प्राइस यहाँ पे लेते जाएंगे। लेते जाने के बाद अब आप लोग जैसे स्कैनर मैंने बोला 15,000, ऐसे मैंने प्रिंटर बोला 25,000, तो आप लोग समझ गए होंगे आई होप, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसका टोटल कैसे निकालेंगे, इक्वल करेंगे दिस वन इंटू दिस वन और एंटर, इस तरह से हमने उसको कर लेंगे, ठीक है। बाकी ड्रैग रैग कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, और जो भी रहेगा इस तरह से इसको भी मैं अभी देखिए रफली कर रहा हूँ, चलिए आप लोग समझ जाइएगा। मैं यहाँ पे प्राइस वगैरह एंटर करूंगा तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको मेन चीज बता रहा हूँ, फिल्टर लगाना, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिल्टर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे फिल्टर यहाँ लग चुका है। अब किसी ने मुझसे कहा कितने कीबोर्ड हमारे हैं, मतलब कितने कीबोर्ड हमारे पास हैं, तो जस्ट हमें क्या करना है, सिलेक्ट और हटाना, ओके पे क्लिक करना है, तो जितने भी कीबोर्ड होंगे हमारे सामने आ जाएंगे, ठीक है। और ऐसे अभी प्राइस तो मैंने एंटर की नहीं है, अब उन्होंने यहाँ पे पूछ लिया आप लोगों से टोटल कितने कीबोर्ड है हमारे पास, ठीक है, जो गए थे। एक्चुअली ये जो डेटा है उस तरह से रहेगा आपका डेटा, कि यहाँ पर एक चीज, एक कॉलम और ऐड होगा, किस डेट में कितने कीबोर्ड गए, मान के चलिए यहाँ पर एक कॉलम और ऐड होगा, ठीक है। वो कॉलम कौन सा ऐड होगा, डेट, क्योंकि यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि 1/12/2022 को हमारा क्या क्या माल गया, ठीक है, इतना गया होगा सपोज, मतलब इतने सारे कीबोर्ड गए। फिर हो सकता है यहाँ पर इस तरह से कोई भी आपको शीट मिल सकती है 2022 को, पूरा हमारा इतना माल गया, तो पूरे 30 दिन की यहाँ पे आपको सीट मिलेगी, ओके। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से फिल्टर चलाएंगे। अब यहाँ पे मैंने कहा कितने कीबोर्ड गए हैं हमारे, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे, डेट भी आ जाएगी यहाँ पर, जो भी हम लोग जैसे सॉर्ट करेंगे। अब किसी ने मुझसे कहा टोटल कितने कीबोर्ड गए हैं, तो मैंने आपको फॉर्मुला बताया, इक्वल टू सम, ठीक है, और जस्ट इसको सिलेक्ट करके और एंटर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप 379, तो एक तरह से क्या हो गया, फिल्टर हो गया डेटा किसका, कीबोर्ड का। सिमिलर हम लोग किस किस का डेटा फिल्टर कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का कर सकते हैं। इसी तरह से हमसे कुछ भी वहां पे मांग लिया जा सकता है कि आपको क्या क्या करना है। जैसे किसी ने कहा माउस कितने का हुआ, तो जस्ट क्लिक करना है, क्लिक करने का ओके करेंगे, ओके करने का ये ओके किया, ठीक है। जैसे आप देखेंगे माउस कितने का, तो सिंपल आपको इस तरह से, तो क्या हो जाएगा कि आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। मान के चलिए अगर हमारे पास फिल्टर नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फिल्टर ना होने पे हम लोग यहाँ पे पहले गिनते, काउंट करते, कॉपी करके अलग रखते, तब जाके काम हम लोग कर पाते, ठीक है। लेकिन फिल्टर ऑप्शन होने से हमारे पास इतना बेनिफिट हो गया है कि हमें बार बार कुछ भी अलग अलग से कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वहीं के वहीं डेटा को फिल्टर करो, फिल्टर करने के बाद आप लोग इस पे आसानी से फिल्टर करके कॉपी जो भी प्रिंट देना प्रिंट दे सकते हैं। जैसे हम लोगों को मॉनिटर का देखना है, तो मैंने यहाँ पे मॉनिटर पे क्लिक किया, ओके किया, और उन्होंने पूछा कितने मॉनिटर गए, तो फॉर्मूला लगा लो, इसके कंट्रोल से वो प्रेस करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, वो डेटा आ जाएगा, ठीक है। जो भी डेटा रहेगा वो आपके सामने आ जाएगा, इसका फिर हम लोग प्रिंट वगैरह दे सकते हैं। प्रिंट कैसे देना है ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, तो वो वीडियो देख लीजिए। और ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये क्या इंडिकेट करती है, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, तो ऊपर, तो आप लोग पहले उस वीडियो को भी देखिए, फिर इसको भी कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो शॉर्ट एंड फिल्टर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। ये
बिल्कुल क्लियर ऑप्शन था और मैंने आपको बहुत ही आसानी से सिखाया हुआ है और इजी एग्जांपल का साथ सिखाया हुआ है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए। मैंने आप लोगों को जो लिब्रे ऑफिस राइटर कैलसी के भी और जो इसमें कुछ इम्प्रेस के भी क्वेश्चन थे, तो ओवरऑल हम यहाँ पे आपको 150+ क्वेश्चन दे चुके हैं एग्जाम के लिए। आप लोग उनकी तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।